What's up guys, it's your boy Kratos and welcome back to a brand new title Lesara Summit Kingdom. And भाई मैं इस गेम के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड था एंड फाइनली अब इस गेम के डेवलपर्स ने जो है इस गेम का जो है डेमो यहाँ पे रिलीज कर दिया है पब्लिक के लिए. दैट्स प्रीटी गुड एंड आप सभी लोग भी इस गेम का जो है यहाँ पे आप खेल सकते हो. इसका जो यहाँ पे इन्होंने डेमो वर्जन दे रखा है स्टीम पे टोटली फ्री है, तो आप लोग यहाँ पे डेमो वर्जन को जाके चेकआउट कर सकते हो गेम कैसी है. एंड अगर मैं आपको इस गेम का ओवरव्यू बताऊँ तो इस गेम को हम थोड़ा यहाँ पे सिटी बिल्डिंग टाइप ही गेम है, बट एज सच हम सिटी स्काईलैंड्स की तरह ही है. बट सिटी स्काईलैंड्स में हम जो था यहाँ पे हॉरिजॉन्टली जो थी अपनी सिटी को बिल्ड करते थे, बट इसमें हम यहाँ पे जो एक माउंटेन पे हम अपनी सिटी को बिल्ड करेंगे जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख भी सकते हैं फिलहाल इस टाइम पे. एंड मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि ये इसमें जो थोड़ा सा यहाँ पे हमें कुछ जैपनीज जो है ना यहाँ पे थोड़ा सा देखने को मिलने वाला है जैपनीज एलिमेंट, तो उसकी वजह से जो यहाँ पे बैकग्राउंड का जो ट्रैक होगा वो भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है. तो चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं भाई गेम कैसी है यहाँ पे लेसारा समिट किंगडम. थोड़ा सा नाम अजीब जरूर है बट हाँ गेम काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है. तो चलो स्टार्ट करते हैं इस गेम के पहले एपिसोड को. एंड पहले एपिसोड नहीं यहाँ पे डेमो ही है, तो फिलहाल अभी डेमो को ही स्टार्ट करते हैं. जैसी गेम रिलीज होगी तब मैं इसके सारे सारे एपिसोड जो है कवर करूंगा अपने चैनल पे, तो मिस नहीं करना चाहते तब चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन अभी ऑल पे कर देना ताकि मिस कभी ना करो जब भी यहाँ पे लेसारा समिट किंगडम जो है कंप्लीट रिलीज होगी. ओके तो यहाँ पे आ चुके हैं. अब फिलहाल अभी हम कुछ यहाँ पे बेसिक कंट्रोल सिखाए जा रहे हैं. ओके ASDW से हम यहाँ पे रोटेट कर सकते हैं एंड माउस से हम जूम इन या फिर जूम आउट कर सकते हैं. जैसे कि आप लोग देख सकते हो ना, तो ये है पूरा का पूरा इस माउंटेन पे जहाँ पे हमें इसको बिल्ड करना है. ये शायद से बिल्डिंग पॉइंट होगा जहाँ से लोग हमारे इसमें आएंगे. एंड मैं पहले कंटिन्यू करता हूँ एंड बिल्ड अ लैंडमार्क. तो इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दिखाता हूँ. तो ये है वो माउंटेन जहाँ पे हमें बिल्ड करना है. एंड यहाँ पे देखो काफी सारे ओर्स भी हैं, कॉपर ओर्स एंड ये सारे के सारे यहाँ पे आप लोग जो है यहाँ पे बायोम्स है, डिफरेंट बायोम्स है. एंड इन सारे बायोम्स को हमें आपस में जो है कनेक्ट भी करना पड़ेगा. एंड भाई काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है गेम क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे लैंडस्केप है. एंड अगर इसके टॉप पे हम जाएंगे तो लास्ट में ये जो पॉइंट है ना, हम इस पॉइंट पे एक जो है मिडिवल कासल जो है उसको बिल्ड कर सकते हैं. एंड भाई काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रही है गेम यार अभी तो फिलहाल. एंड क्वालिटी भी काफी अच्छी है यहाँ पे. मेरे को बिल्ड करने ना हमें लैंडमार्क ये लोकेशन. ओके यहाँ है ये, बट मेरे को बिल्ड क्या करना है. ओके फूड डिस्ट्रीब्यूशन मेरे को सेलेक्ट करके. ओके ठीक है, तो कुछ कुछ वैसे ही जैसे सिटी स्काईलाइंस में हम करते हैं तो सिमिलर कुछ वैसे ही है. चलिए हमने यहाँ पे एक मार्केट प्लेस जो है बिल्ड कर दिया है, बट आइए इतना सफिशिएंट नहीं रहेगा क्योंकि रोड्स यहाँ पे नहीं है. ओके तो अब हमें यहाँ पे करनी है बिल्ड करनी है रोड्स को. ओके ठीक है, रोड्स को कैसे बिल्ड करा जाएगा. ठीक है ओके चलिए यहाँ पे रोड्स को भी बिल्ड कर दिया है हमने, बट यहाँ पे क्या लिखा है द मार्केट अबव द मार्केट प्लेस हैज चेंज्ड द न्यू वंस मीन्स द बिल्डिंग लैक ऑफ वर्क फ्रू. ओके ठीक है, तो अभी यहाँ पे फिलहाल कोई है नहीं तो हमें इसकी जरूरत पड़ेगी. आफ्टर प्लेसिंग अ हाउस इट बिकेम इनहैबिटेड इंस्टेंट बाय 4 सिटीजंस, वर्कर असाइन टू वर्क प्लेस ऑटोमेटिकली. ओके ठीक है, तो मेरे को यहाँ पे अब जो है यहाँ पे घर बनाना होगा. हैव 32 सिटीजन विद एक्सेस टू द मार्केट प्लेस. सो रुको मेरे को यहाँ पे घर बनाने पड़ेंगे. क्या मेरे पे कुछ है क्या जिससे मैं इनको बना सकूँ. ओके आइया ओके यहाँ से मैं इसको कर सकता था. सो मार्केट प्लेस ये रहा, मार्केट प्लेस के आसपास ही मेरे को जो है इसको लगानी चाहिए तभी वहाँ पे फायदा रहेगा. एंड वैसे इसकी कॉस्ट क्या है, मैं यहाँ पे लगा तो काफी सारे रहा हूँ पर इनकी कॉस्ट कुछ तो होगी. ओके तो कॉस्ट यहाँ पे कुछ भी नहीं शो कर रही अभी. कितने लगाने हैं वैसे. ओके तो यहाँ पे 32 की स्पेस के मुझे यहाँ पे लगाने पड़ेंगे. ओके मैं काम करता हूँ, यहाँ पे रोड नहीं है आई नो बट यहाँ पे हम रोड क्रिएट कर देंगे. ओके अब आई गेस हाँ, तो यहाँ पे 32 सिटीजन जो है आ चुके हैं एंड मार्केट प्लेस भी हमारा जब चालू हो चुका है. ओके अब अगला क्या है, ग्रेट लेट्स कंटिन्यू डेवलपिंग आर सेटलमेंट बाय प्रोवाइडिंग आर सिटीजन एक्सेस टू मंडाला बिल्डिंग विच इज इंपॉर्टेंट फॉर देयर. ओके तो यहाँ पे एक टाइप का कुछ टेम्पल हमें जो है बनाना पड़ेगा एंड ये है वो मंडाला. ओके चलिए तो मंडाला को एकदम मैंने मार्केट प्लेस के एकदम सामने लगा दिया है. ठीक है क्लिक ऑन अ हाउस, पर मेरे को इसको डिसलेक्ट कैसे करूं मैं. ये तो मेरे ख्याल से मैंने डिमोलिश टूल ले लिया है. शिट लर्न मोर अबाउट द फ्लोर नीड टू ब्रिंग अप अ हाउस मेन्यू. ओके मैंने गलती से जो है हाउस एक हटा दिया. सो पहले तो इसको प्ले हटाता हूं लगाता हूं वापस. शिट ये ना प्लेस हो जा रहा है यार, मैं इसको डिसलेक्ट कैसे करूं. कोई तो एक ऑप्शन होना चाहिए क्या, रोड को सेलेक्ट करके. नहीं एंड रोड के साथ यहाँ पे दो आइकन है पर कोई आइडिया नहीं क्योंकि मैं हाउ
हाउस पे क्लिक नहीं कर पा रहा हूँ कि वर्कर्स इनपुट ठीक है। जैसे गाइस मैं यहाँ पे क्लिक नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे को कोई आइडिया नहीं कि किस तरीके से हमें यहाँ पे करना पड़ेगा। मैंडाला में लगा चुका हूँ, इनमें से मैं किसी पे क्लिक नहीं कर सकता हूँ इस टाइम पे। तो ये अब आ गया हमारा डिमोलिश टूल, और डिमोलिश टूल को इसको डिमोलिश कर देता हूँ मैं। तो मेरे को इनमें से कुछ एक तो सेलेक्ट करना है, बट मैं माउस के कर्सर को कैसे लेके आऊँ इसका कोई आइडिया मुझे अभी तो नहीं लग रहा है। वो कोई तो तरीका होगा पता है। शिट, गलती से मैंने मैंडाला को भी रिमूव कर दिया। चलिए काम और कर देता हूँ मैं फिलहाल अभी, कि मैंडाला को कवर कर देते हैं रोड से। हाँ ये थोड़ा सा ठीक रहेगा, बट जो चीज़ करनी है वो चीज़ मैं भी कर नहीं रहा हूँ, जो कि मेरे को एक हाउस पे क्लिक करना है। क्योंकि मेरे को था बिल्कुल आइडिया नहीं है क्या जूम करके करना है ये मुझे। ओके तो सिंपली मुझे बस यहाँ पे राइट क्लिक करना था। ओके ठीक है, तो यहाँ पे हो चुका है एंड फूड प्रोस्पेरिटी एंड एनलाइटमेंट। ओके ठीक है, डिमांड फुलफिल्ड हो गई है, ऑल फुलफिल्ड है फिलहाल अभी के टाइम पे। ओके एंड दिस बार शोज हाउ मे विच कैटेगरी नीडेड टू बी फुलफिल्ड टू मेक योर सिटीजन। ओके ठीक है, क्लोज हाउस मेन्यू। ओके ठीक है मैं समझ गया यहाँ पे थोड़ा सा, एंड करते आगे कंटिन्यू। बिल्ड अ चिकन फार्म। ओके चिकन फार्म को मेरे को बिल्ड करना है, एंड चिकन फार्म किसके अंदर है? वेट, बिल्ड चिकन फार्म एंड प्रोडक्शन विल स्टार्ट, मेक श्योर द चिकन फार्म हैज मार्केट प्लेस इन इट्स रेंज। ठीक है, बट वेयर इज द चिकन फार्म? भाई मैं थोड़ा सा इनको इजी करना चाहिए, थोड़ा सा ना यहाँ पे जैसे कि मुझे फाइंड करने में डिफिकल्टी आ रही है कि चिकन फार्म हमारा है किसमें। ये सारी तो अनलॉक नहीं है, एक मिनट, क्या चिकन फार्म को मैं इनमें से कुछ तो रिबिल्ड तो नहीं करना मेरे को। एंड गाइस आप लोग बैकग्राउंड ट्रैक सुन सकते हो यार, काफी इंटरेस्टिंग बैकग्राउंड ट्रैक है यार, दैट्स प्रीटी इंटरेस्टिंग। कि बैकग्राउंड ट्रैक पे तो काफी अच्छा करा इन्होंने, बट यहाँ पे जो चीज करनी है वो अभी मेरे को मिल नहीं रही। एक मिनट, इस रोड को थोड़ा इंक्रीज कर देता हूँ मैं आगे तक। ओके तो इसके अंदर ही था यहाँ पे, ये मैंने नोटिस नहीं करा। ओके ठीक है, अब मार्केट प्लेस यहाँ से रीच पे है, दैट्स प्रीटी गुड। ओके ठीक है, यहाँ पे प्लेस हो चुका है। एंड गाइस आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना है जो बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा है वो कितना अच्छा बैकग्राउंड म्यूजिक है। मैं थोड़ी देर के लिए शांत हो जाता हूँ यहाँ पे, आप लोग मेरी आवाज में बैकग्राउंड नहीं आ रहा उतना ज्यादा सा, तो मैं थोड़ा शांत हो जाता हूँ, आप लोग सुनिएगा जरा। ओके तो मुझे यहाँ पे एक रूट क्रिएट करना पड़ेगा इसके लिए। तो ठीक है, यहाँ पे पहले मैं सेंड पे क्लिक करता हूँ, एंड अब सेंड पे क्लिक करने के बाद मेरे को आई गेस। ओके ठीक है, तो सिंपली ऐसे करना है। एंड अब एक्स जो है देखो लेके जा रहे हैं यहाँ पे कोई, तो अभी यहाँ पे व्हीकल्स नहीं है, काफ़ी मेडिवल टाइप की गेम शायद है, अभी मेडिवल टाइम पे सेट है तो उसकी वजह से हो सकता है ये। एंड गाइस बैकग्राउंड तो आपने सुन लिया होगा, बैकग्राउंड स्कोर इसका तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना कैसे लगा यार। मेरे को तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा यार बैकग्राउंड स्कोर, काफ़ी मज़ेदार स्कोर है यार। एंड अब चलते हैं आगे, एंड लेट्स इंक्रीज द फूड वेराइटी फॉर आर फोक्स एंड स्टार्ट प्रोड्यूसिंग टैस्पम अ फ्लोर मेड फ्रॉम बैरले। ओके तो बैरले की यहाँ पे मेरे को अभी स्टार्ट करना पड़ेगा फूड प्रोडक्शन, एंड ये रहा तो मुझे इन दोनों की जरूरत पड़ने वाली है, मिल एंड मिल के साथ ये। तो एक काम मैं करता हूँ कि यहाँ से ना एक इसका एक्सेस यस इतने कोने तक कर दिया जाए, एंड अब टैम्पों की प्रोडक्शन यहाँ करते हैं। मुझे आइडिया नहीं था मिल इज कैपेबल हैंडलिंग प्रोडक्शन आउटपुट फ्रॉम मल्टीपल बैरल फील्ड। ओके मैं इसको रोटेट नहीं कर सकता ना शायद अभी, यस तो इसमें रोटेशन का ना ऑप्शन नहीं है। ओके यहां तो मैं पुट भी नहीं कर पाऊंगा इसे, यहाँ पे एक मार्क आ रहा है इसके ऊपर। ओके अभी रिसीव नहीं हुआ इस पर, ठीक है। एंड ये रहा, एंड मुझे अब इससे जो है इसको सेंड करना पड़ेगा सबसे पहले तो। एक मिनट, क्या मैं एक और फील्ड लगा सकता हूँ क्या?
एंड इधर तो जगह ही नहीं है, तो इधर तो लगाना मुश्किल रहेगा। दो फील्ड यहाँ मैं लगा देता हूँ ताकि थोड़ा सा जल्दी जल्दी जो है ना यहाँ पे प्रोडक्शन हो, क्योंकि अभी फिलहाल जो है सिर्फ तीन ही प्रोड्यूस कर रहा है एक फार्म। ठीक है, इसके अंदर अभी काफी मिसिंग है। एंड ये जो है याक्स टोटल जॉब इन बिल्डिंग टू असाइन टू ट्रांसपोर्टेशन मिसिंग टू, तो याक्स की जरूरत पड़ने वाली है। ओके, आर मिल इज रिसीविंग बेली बट स्टिल नॉट प्रोड्यूसिंग एनी बिकॉज इट बिल्ड रिक्वायर नॉट ह्यूमन वर्क बट आर याक टू ऑपरेट। ओके ठीक है, तो याक कैसे आएंगे? पॉपुलेशन, यू नीड टू बिल्ड अ सिंपल याक ब्रीडिंग। ओके, तो ये रहा एक सिंपल याक ब्रीडिंग जिसको मैं जो है आई गेस ये एक अच्छी लोकेशन होगी इसके लिए। ओके, तो अब चार याक्स आ चुके हैं हमारे पास एंड आई गेस चार याक यहाँ पे सफिशियंट रहेंगे, तो इस पे करते हैं क्लिक एंड टारगेट बिल्डिंग हैज नॉट बीन इनर रेंज। ओके, तो मेरे को अभी इसे मार्केट प्लेस तक भेजने के लिए मेरे को यहाँ पे भाई डायरेक्ट मैं नहीं भेज सकता हूँ, ये छोटी सी मेरे से गलती हो गई। तो अगर मार्केट प्लेस के रेडियस में मुझे रखना है तो इसको पहले, इसको बाद में काटेंगे, पहले काम करता हूँ एक और यहाँ पे कहीं बीच में। ओके, अभी भी मार्केट पे जा रहा है, ठीक है अभी भी मार्केट पे, इसके बाद यहां से मार्केट पे नहीं है, तो इस पॉइंट तक मैं मार्केट पे भेज सकता हूँ। ठीक है, तो एक काम करो, इसको कर दो मैं डिमोलिश, इसकी कोई जरूरत नहीं। एंड अब मेरे को सेंड करना पड़ेगा यहां से, आइए सेंड तो मेरे को कर देना पाए, आराम से हो जाएगा, इसके रेडियस में होगा। चलिए रेडियस में है सेंड करने के लिए, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई। तो चलिए सारे का सारा वीट यहाँ पे पहले सेंड करते हैं एंड इसके बाद यहाँ से हम जो इसे मार्केट प्लेस में भेजेंगे जहाँ से इसे जो है नॉर्मल पीपल जो है ना सबके साथ बाय कर पाए। एंड तब तक के लिए मैं क्या सोच रहा हूँ कुछ और रेजिडेंट हाउस बिल्डिंग बना देता हूँ आसपास। अब जाके टोटल यहाँ पे जो है टोटल 52 हो चुके हैं, जॉब्स इन द बिल्डिंग 31 है, 21 अवेलेबल हैं जिनपे अभी कुछ जॉब नहीं है। ठीक है, तो उनको भी जॉब हम थोड़ी देर में दे देंगे। चलिए आई गेस यहाँ पे सब हो चुका है, इसको अब सेंड कर सकता हूँ मैं मार्केट पे। चलिए मार्केट में भेज दिया मैंने एंड सबके ऊपर कुछ तो मार्क आ गया है, आर हैप्पी इनफ टू अपग्रेड देयर हाउसिंग। ओके, तो इनके हाउसिंग को मैं अपग्रेड कर सकता हूँ। ओके, तो सबके मुझे जो है ना मैनुअली यहाँ पे इनको लेवल 2 का करना पड़ेगा, कोई एक ऐसा बटन नहीं है जिससे हम डायरेक्टली इन सबको जो है लेवल 2 का कर सकें, बट चलिए दैट्स प्रीटी इंटरेस्टिंग। एंड ज़्यादा घर होंगे तो यहाँ पे टाइम लगेगा, क्योंकि अभी फिलहाल थोड़े कम घर हैं, बट फिर भी टाइम लग रहा है। एंड नाइस जॉब, बिकमिंग अ लिटिल टाइट इजंट अ टाइम टू एक्सपेंड। ओके ठीक है, तो यहाँ पे हम कर सकते हैं कनेक्ट टू ग्रीन रीजन वाया ब्रिज। ओके ठीक है, तो यहाँ पे ब्रिज की मदद से हमें कनेक्ट करना है, बट यहाँ पे एक मार्क आ रहा है, सप्लाई नॉट मीटिंग डिमांड फॉर मल्टीपल रिसोर्सेस, सप्लाई कम हो रही है क्या? यहाँ पे सेंड होना तो स्टार्ट हो चुका है ना ये? यस, तो सेंड तो होना स्टार्ट हो चुका है, मुझे आइडिया नहीं कि सप्लाई मीट क्यों नहीं हो रही। चलो उसको भी देखता हूँ मैं एक मिनट यहाँ से, तो मैं यहाँ पे सीधे सीधे ही घर बिल्ड कर, लाइनें बिल्ड कर सकता हूँ। तो एक काम करते हैं, इसको यूं बिल्ड करता हूँ एंड यहाँ से अब शायद से मैं ब्रिज एक निकाल पाऊंगा। ओके, तो ब्रिज, ओके ब्रिज के लिए मेरे को इसको और इसकी जरूरत है। चलिए, तो एक और बायोम यहाँ पे हमने जो है अनलॉक कर लिया अपने लिए। वेट, मैं इसके आगे क्यों नहीं कुछ कर पा रहा हूँ? अब यहाँ पे हैव ऑपरेशनल मार्केट प्लेस इन सेकंड रीजन। ओके ठीक है, एक ऑपरेशनल मार्केट प्लेस की जरूरत पड़ेगी। एंड आई गेस अभी डेमो है ना, तभी यहाँ पे इन सब चीजों के प्राइजेस नहीं है, बट मेरे को लगता है इन सबके कुछ ना कुछ तो प्राइजेस होंगे। एंड 91 अवेलेबल हो चुके हैं, यहाँ पे घर की इंक्रीज कर दिया तो काफी सारे लोग यहाँ पे बढ़ चुके हैं,
Have 8 artery in house and upgrade them to level 2. Okay, तो यहाँ पे कुछ और houses की जरूरत पड़ेगी, तो एक काम करता हूँ, मार्केट प्लेस से ज्यादा दूर ना भी हो तो ये वाली लोकेशन एकदम परफेक्ट रहेगी हाउसेस को क्रिएट करने के लिए. ओके, ये है वो हाउसेस. एंड यार एक ब्लॉक के तो कोई यूज ही नहीं रहा क्योंकि ये ब्लॉक थोड़ा सा बीच में आके फंस चुका है और मेरे को एक और की जरूरत पड़ेगी ना. यस, तो अभी 7 हुए और मुझे टोटल 8 चाहिए, तो इसको भी मैं यहाँ पे लगा देता हूँ. एडामिन को थोड़ा सा ना मेरे को अपग्रेड करना पड़ेगा. एंड आई गेस इधर मार्केट प्लेस में तो सामान आ रहा है, बट इधर के मार्केट प्लेस में अभी कोई सामान नहीं है, तो इधर भी मेरे को एक मिल जो है ना बनानी पड़ेगी. चलिए इतना एरिया पूरा मैं कर देता हूँ. एंड बाथ हाउस भी है. ओके ठीक है, बाथ हाउस को भी क्रिएट करूंगा पहले मैं. इवन चीज प्रोडक्शन है एंड इनके प्रोडक्शन को यहाँ लगाता हूँ. ये पहला थोड़ा सा गलत लग चुका है, जस्ट गिव मी अ सेकंड. आई गेस 3 तो सफिशियंट रहने चाहिए. एंड इसको सेंटर में लगा देता हूँ ताकि अब दोनों साइड जो है ना काफी इजिली जो है ट्रेवल हो पाए. सो इसको करते हैं यहाँ से इधर सेंड. वेट, नॉट इन द रेंज. आई रुको, मेरे ख्याल से इसके पीछे की साइड से मेरे को रोड एक लगानी पड़ेगी, तब शायद ये रेंज में आ पाए. चिटी ये अभी भी रेंज में नहीं है. तो जो दूसरी चीज मैं कर सकता हूं कि इनको डिमोलिश कर दूं मैं. तो एक तो मैंने लगा दिया है एंड इसके बाद एक लगाता हूं यहां पे एंड एक बिल्कुल इसके साथ में. अब तो ये आइए सबके सब रेंज में रहेंगे. एंड इसके बाद हमें जरूरत है कुछ याक्स की, तो याक्स. ओके, याक्स का फार्म इसमें था. 2 याक्स के फार्म इधर कर देता हूं, एक और याक का फार्म हाँ यहां लगा देता हूं. ठीक है, तो याक्स की कमी नहीं होगी इससे. तो यस, इसको मेरे को इसका भी ट्रांसपोर्टेशन लगाना है मार्केट प्लेस तक, जो कि अब लग चुका है. एंड इसके बाद बात करते हैं, अब यहाँ पे एग का भी एक लगा देता हूं मैं. सो एक स्पेस छोड़ के एग का लगाते हैं एंड एग को भी सेंड कर देते हैं मार्केट प्लेस में. ठीक है, अब इसके बाद एक चीज नहीं अनलॉक हुई थी तो ये तो भी है. एंड ये रही, तो इसके लिए चाहिए याक्षक एंड याक्षक के साथ एक चीज मेकर. एंड अगर याक्षक की जरूरत है तो मेरे को थोड़ा सा इसको इसके पास ही लाना पड़ेगा याक फार्म के. चलिए ये सारा का सारा हो चुका है. एंड अच्छा, डायरेक्ट मैं इसे सेंड भी कर सकता हूँ, बट इसको डायरेक्ट की जगह यहाँ पे वहां पर जो एक बिल्डिंग थी ना चीज मेकर वाली, इस बिल्डिंग को लेता हूँ एंड इस बिल्डिंग को प्लेस करते हैं इधर. अभी फिलहाल मैं कुछ भी यहाँ पे पैटर्न जो है बना रहा हूँ, जैसे कि आप लोगों को देखने को भी मिल रहा होगा. एंड रुकिए, इसमें ओके अभी फिलहाल इस पर कुछ रिसीव नहीं हुआ है जो कि इंपॉर्टेंट है, तो इसको सेंड करता हूँ मैं इसमें. ओके, तो यहाँ पे 2 बिल्डिंग में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ. चलिए ठीक है. नो, नॉट एन इनपुट रिसोर्स, दिस बिल्डिंग इजंट यूजिंग दिस रिसोर्स फॉर प्रोडक्शन. एक मिनट, क्या मैंने कुछ गलत चीज पे कर दिया है कि क्लिक? ओके, तब मैंने उस पर गलत चीज पे क्लिक कर रखा था. चलिए फिर यहाँ पे चीज भी जो है मार्केट में आ चुकी है एंड इस वाली मार्केट में चीज अभी नहीं आई ना. सो एक काम करते हैं. यस, तो ये वाली जगह लोकेशन तो मेरे को परफेक्ट लग रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी यहाँ से चीज को भेजने में. एंड इधर से तो भाई बात रहेगी क्योंकि अभी मैं कोई भी बिल्डिंग जो है ना बिल्ड नहीं कर पाऊंगा. ओके ठीक है, अब यहाँ से सेंड करते हैं इसमें. एंड या ओके, इसमें से नहीं, ये गलत हो गया, इसमें से सेंड करना है हमें मार्केट प्लेस पे. चलिए ठीक है, तो ये सब हो चुका है. एक और काम जो रह गया था मेरे को, एक और जो है ना एग का प्रोडक्शन लगाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे काफ़ी कम हो रहा है, यहाँ पे प्रोडक्शन लोग ज़्यादा हो चुके हैं उसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है. ठीक है, तो यहाँ पे अभी कोई भी घर का लेवल अपग्रेड नहीं हुआ एंड लेवल होने वाला है. प्रॉस्पेरिटी हो चुका है एंड ओके ठीक है, तो इसकी जरूरत है एंड प्रॉस्पेरिटी ये रहा.
चलिए बाथ हाउस मैंने लगा दिया, अब सबको जो है मैं इनको अपग्रेड कर सकता हूँ। ओके तो चलिए सब कुछ यहाँ पे कर चुका हूँ। एंड अब एक शाफ्ट की जरूरत है एंड शाफ्ट। ओके तो शाफ्ट से हम यहाँ पे जो है वो नीचे से ऊपर का साइड का रास्ता क्रिएट कर सकते हैं। ओके तो इससे हम शायद ना गुड्स को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। एंड स्पिंडेड नाउ यू हैव रीच अ रीजन इन द मिडल जोन। तो यहाँ पे एक और नया बायोम ओपन हो चुका है जहाँ पे हमें कुछ कॉपर भी दिख रहे हैं। ओके प्रोडक्शन आउटपुट ऑफ सम बिल्डिंग डिपेंड ऑन विच जोन दे आर प्लेस, दिस इज शोन इन द टूल टिप लाइक दिस। एंड ये टूल टिप कहाँ है वैसे? फॉर एग्जाम्पल ऑफ अ बिल्डिंग वर्किंग दिस वे इज बी कीपर। ओके तो यहाँ पे एक बी कीपिंग वाली जो है ये हनी प्रोडक्शन। एंड आई गेस अब यहाँ से मैं एक रोड को ओपन कर सकता हूँ, ठीक है। एंड क्या मैं इसको डायरेक्ट जो है मार्केट तक, यस डायरेक्ट तो मार्केट तक मैं इसे सेंड नहीं कर पाऊंगा, शायद अगले में बताएंगे ये। ओके अ सिंगल वेयर हाउस कैन स्टोर मल्टीपल रिसोर्स ऑफ वन टाइप हनी, ठीक है। तो अब मुझे वेयर हाउस को जो है ना बिल्ड करने हैं, ऊपर की जगह एक वेयर हाउस नीचे बिल्ड करता हूँ। एक मिनट, एक वेयर हाउस को ऊपर भी लगा के देखता हूँ, मेरे ख्याल से अब जो है शायद से मैं इसे सेंड कर पाऊँ। लेट्स गिव इट अ ट्राई। तो यहाँ से मैंने इस पर भेजा एंड यहाँ से जो है मैं अब इसको इस पर भेजूंगा। ओके एंड इस वाले से इसको भेजता हूँ मार्केट प्लेस पे। ओके ठीक है, पूरी तरह कनेक्ट हो चुका है, दैट्स प्रीटी गुड। तो हमें कुछ इस तरीके से करना है। एंड अब एक इधर की साइड से भी उतार सकता हूँ इसे मैं नीचे, तो लेट्स गो इसको लेके। भाई गेम ने काफ़ी मैकेनिज्म जो है ना काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है एंड वही इस गेम को काफ़ी ज़्यादा यूनिक बनाती है। एंड एक राफ्ट यहाँ पे आ गया, काफ़ी एक अलग टाइप का ये वाला वैसे तो, बट मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ओके तो एक काम करते हैं, कुछ और यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे एक बिल्ड कर देता हूँ। एंड एक मेरे को ना नीचे भी लगाना पड़ेगा तभी यहाँ पे जो है काम हो पाएगा, वरना यहाँ पे मुश्किल रहता है। ओके तो अभी सनी को मैं यहाँ पे सेंड कर रहा था एंड अब इससे मुझे सेंड करना है इस पर, एंड इससे इस पर सेंड करना है एंड यहाँ से इधर वाले मार्केट प्लेस पर। ओके तो ये हो चुका है। वैसे एक बी फार्म मेरे ख्याल से सफिशियंट नहीं रहेगा इस चीज़ के लिए, क्योंकि मेरे को दो दो जगह पे करना पड़ रहा है, तो दो बी फार्म यहाँ पे अच्छे खासे रहेंगे। इसको करता हूँ मैं सेंड इसमें एंड इस पर रुको, कुछ तो मार्क आ रहा है। वेयर हाउस की कैपेसिटी नॉट कैरियर असाइन टू अ ट्रांसपोर्ट रूट। तुम निकालते तो यहाँ पे। ओके ये सारे कैरियर जो रास्ते हैं वो दिखा रहा है, इसमें भी शायद है। एक मिनट, इसमें भी सब हो चुका है, मार्केट प्लेस का कैरियर नहीं बंद है एंड इसमें। ओके एंड यहाँ से जो मार्केट प्लेस का है इसको मेरे को चालू करना होगा। ओके ठीक है, सेंड हनी टू बोथ मार्केट प्लेस। ओके ये हो चुका है काम खत्म। एंड अब आई गेस यहाँ पे, ओके द अदर थिंग वी गेन एक्सेस बाय एक्सपेंडिंग हायर आर रिसोर्स डिपॉजिट। ओके ठीक है, यूज कॉपर यूटेंसिल प्रोडक्शन। यहाँ तो ओके ठीक है ये रहा एंड यहाँ पे हमें कॉपर माइन को लगाना पड़ेगा, बट रुको। ओके कॉपर माइन को हम कॉपर्स के ऊपर ही लगा सकते हैं। एंड हम सबको एक में कनेक्ट नहीं कर सकते, तो ये भी थोड़ा सा डिफरेंट अजीब चीज है, क्योंकि मुझे लग रहा था हम शायद से सबको जो है ना आपस में कनेक्ट कर देंगे। चलिए तो अब इन सबको जो है रोड का एक्सेस दिया जाए। चलिए सबको यहां पे रोड का एक्सेस में दे चुका हूं। स्टार्ट कॉपर यूटेंसिल प्रोडक्शन। ओके एंड ओके तो ये है कॉपर यूटेंसिल्स का मेकर, मेरे को ऐसी जगह रखना है। ओके यहां से तीनों जगह से आ जाएगा, ठीक है तो सेंड करते हैं। एंड इसके लिए रेडियस का थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है, वो एक चीज है। एंड यहां से इसको सेंड करो इसके अंदर। ओके कैन नॉट सेंड यू, दिस बिल्डिंग इज ऑलरेडी स्टोरिंग हनी।
तो मैं इसको डायरेक्ट जो है मार्केट प्लेस पर कैसे सेंड कर सकता हूँ? अपग्रेड 20 हाउसेज टू लेवल 3, ओके। नाउ यू कैन बिल्ड अनदर वेयर हाउस टू सेंड द कॉपर यूटेंसिल डाउन एंड डिस्ट्रीब्यूट देम। तो मतलब मैंने थोड़े से ज्यादा वेयर हाउस को यहाँ पे बना दिया है। तो यहाँ पे टेक्सटाइल प्रोडक्शन भी स्टार्ट हो चुका, बट हाँ फिलहाल अभी टेक्सटाइल प्रोडक्शन नहीं, मेरे को जरूरत है कुछ और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स की। तो मेरे ख्याल से एक में ही मेरे ख्याल से हो जाना चाहिए सारा का सारा। एंड भाई ये रेंज का ना सिस्टम थोड़ा सा मुझे खराब सा लग रहा है, थोड़ी रेंज ना ज्यादा होनी चाहिए, मतलब रेंज ना काफी कम है। एक मिनट ना, वैसे डायरेक्ट क्या मैं इसको यहां पे सेंड कर सकता हूँ क्या? ओके, डायरेक्ट मैं सेंड नहीं कर सकता हूँ। चलिए, तो वहां से इधर ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो इसके ट्रांसपोर्टेशन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही। वेट, यहां से ये हो नहीं रहा है। अवेलेबल कैरियर यहां पे माइनस में क्यों है? ये नो कैरियर असाइन टू अ ट्रांसपोर्ट रूट। इसका रूट मैंने असाइन कर तो रखा है। चलिए इसको सेंड करता हूं मैं इस पे। मेरे ख्याल से मार्केट प्लेस पे नहीं है शायद ये, इसलिए यहाँ पे मार्क आ रहा है मिसिंग ह्यूमन कैरियर्स। ओके, तो मुझे कोई आइडिया नहीं ये ह्यूमन कैरियर का क्या मतलब है, लोग कम हो रहे क्या? नहीं, लोग अभी भी पड़े हैं। एंड मिसिंग 8, ओके, तो ये है जो असाइन टू ट्रांसपोर्टेशन वाले, तो ये यहाँ पे लोग कम पड़ रहे हैं, इसको जो है ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो है ये वाले घर। हनी सप्लाई नॉट मीट डिमांड, ओके ठीक है, उसको डिमांड बाद में मीट करवाएंगे, पहले मेरे को यहाँ पे कुछ और रेसिडेंटल हाउसेस जो है ना बनाने पड़ेंगे। चौबीस हो चुके हैं, अब यहाँ पे हो जाएगा ये, ठीक है, तो ये हो चुका है कंप्लीट। एंड नो कैरियर असाइन टू अ ट्रांसपोर्ट रूट, ओके, तो अब यहां से हो चुका है। इससे मुझे जो है ना मार्केट प्लेस पे भेजना है। ओके, अब मेरे को किसी तरह इसको नीचे अगर लाना है तो मेरे को इसकी लोकेशन थोड़ी चेंज करनी पड़ेगी, या तो इस घर को डिमोलिश कर देता हूं। तो यहां से सेंड करता हूं मैं इसको नीचे, एंड इस पे भी कैरियर डाल देता हूं, यहां से सेंड करते हैं इस मार्केट प्लेस पे। यहां पे हनी ही प्रोडक्शन अभी भी कम है, एंड कॉपर यूटेंसिल तो कब चलो कम है ही, तो हनी के फार्म में को आई गेस थोड़े से और बिल्ड करने पड़ेंगे। वेयर इज दी हनी? ओके, हनी ये रहा, आई गेस इतने सफिशिएंट रहेंगे, ज्यादा भी नहीं लगाने। तो वर्कर्स मिसिंग है, ओके, यहाँ पे वर्कर कम हो गए। ओके, मैंने घर डिस्ट्रॉय करा था ना, तो उसकी वजह से यहाँ पे, तो ये रहे, तो रेसिडेंटल बिल्डिंग्स, दो रेसिडेंटल बिल्डिंग और लगा देता हूँ। ठीक है, 31 अवेलेबल है, आई गेस इतना भी हो जाएगा काम। इसमें बी हो गया, इसमें कॉपर यूटेंसिल्स हैं, एंड कॉपर यूटेंसिल अभी फिलहाल इधर नहीं जा पा रहे हैं, तो उधर कैसे भेजा जाए? एक काम करता हूँ, एक डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क को अगर यहाँ पुट करूँ मैं, ये वाला ना कॉपर का, इसको क्या सेंड यहाँ कर सकता हूँ क्या मैं? यस, तो चलो ये बढ़िया है कि मैं इसको इधर सेंड कर सकता हूँ। एंड एक मिनट, ये कॉपर के यूटेंसिल्स इसमें नहीं है, इसमें भी एक कैरियर डालो। ठीक है, चलिए वहाँ पे आ गया। अब यहाँ से कॉपर यूटेंसिल्स को मार्केट प्लेस पे डिमांड अभी फुलफिल नहीं हो पा रही है, तो डिमांड को फुलफिल करना है अगर, तो कॉपर यूटेंसिल्स की जो है इसकी प्रोडक्शन चेन,
इसको करो इस पे सेंड एंड इसको करो इस पे सेंड। ओके तो यहाँ पे लोगों की कमी हो रही है वापस से। चलिए कुछ और हाउसेस को बिल्ड करना स्टार्ट करता हूँ मैं। अब तो मुझे लगता नहीं कि कोई प्रॉब्लम आ रही होगी पीछे। ओके कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेंडिंग हो रहा है बट इसमें अभी भी शो क्यों हो रहा है, नॉट रिसीविंग इनफ इनपुट्स। क्या मैंने थोड़े से ज्यादा बिल्ड कर दिए क्या? आसपास और कुछ है क्या? ये कौन सा एक सॉल्ट है, तो सॉल्ट पे तो काम नहीं चलेगा। व्हाट इज दिस? तो ये कॉपर नहीं है। So, अभी फिलहाल कुछ इतना हमने बना दिया है एरिया एंड ये सही लग रहा है भाई। कोई प्रॉब्लम तो मुझे लगता नहीं कि इससे आएगी। यहाँ पे रुको, हनी भी नहीं हो पा रहा ना कंप्लीट। हाँ हनी की डिमांड भी कंप्लीट नहीं हो रही है। हनी मार्केट में सेल तो हो रहा है। तो हनी को भेजने के लिए ऊपर से प्रोडक्शन तो हनी की है अच्छी खासी भी, तो मेरे को हनी की प्रोडक्शन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। या तो एक काम और कर देता हूँ मैं, जिसे थोड़ा सा प्रोडक्शन जो है मैं इंक्रीज कर पाऊंगा हनी का। वैसे ये देखना रहेगा कि हनी वहां तक पहुंच पाएगा या नहीं, क्योंकि वो एक काफी इंपॉर्टेंट चीज रहेगी जो कि मुझे लगता नहीं कि थोड़ी पहुंच पाएगी। देवी गो ओके ये थोड़ा गलत हो गया। पहले बार चेक कर लेता हूँ, ट्रांसपोर्टेशन रूट इसका नहीं है, तो मेरे को एक और जो है ना यहाँ कहीं बैरल बीच में डालना पड़ेगा। तो वैसे हनी का अगर मेरे को कंप्लीट करवाना तो ये चीज मुझे करनी पड़ेगी। चलो पहले यहाँ पे मैं लगा देता हूँ, चार सफिशियंट रहेंगे। एक और यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इस पॉइंट पे ऐड करता हूँ डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को। अब करते हैं सेंड। अब यहां से सारा सेंड करना है इस पे। ओके तो अब मेरे ख्याल से अब तो हनी का प्रोडक्शन कम नहीं होना चाहिए, काफी ज्यादा हनी जो है अब आना चाहिए। वैसे अभी फिलहाल हनी का प्रोडक्शन काफी कम है। अपग्रेड करने हैं हाउसेस तो उसको भी करना पड़ेगा। एक काम करते हैं, पहले तो यहाँ पे याक के लगाते हैं। आई गेस मैं डायरेक्ट याक के अगर लगाता ना, याक के शेक्स, तो काम हो जाता। मैं टेक्सटाइल प्रोडक्शन को ऊपर ना लगाने की जगह मैं टेक्सटाइल प्रोडक्शन को यहीं नीचे लगाता हूं। कुछ और याक्स के फार्म की जरूरत पड़ेगी। वेट, मेरे को अगर इस पे नहीं भेज सकता मैं तो भेजना किसको मेरे को? वेट, मैं इस पे पता मेरे को भेजना तो है पर मैं इसको भेजूं कैसे? वहां पे भेजने का मेरे को दे नहीं रहा वो ऑप्शन फॉर सम रीजन। एक मिनट ना, वीवर ओके अच्छा ये मिल्क है और ये वूल है। ठीक है मैं यहाँ पे पहले थोड़ा सा गलत कर रहा था, मैंने ये चीज ना पहले रीड नहीं करी। सो मिल्क, मेरे को मिल्क किसको भेजना है? इसमें भी आई गेस किसी एक और में दो था ना, इसमें वूल था और मिल्क था, तो ये ऑलरेडी मैंने एक लगा रखा था ये। ओके तो मिल्क मैं यहां भेज रहा हूं। ओके ठीक है, तो ओके अमी को समझ आया, पर मैं इस तक नहीं भेज पाऊंगा। तो एक काम मुझे जो करना चाहिए इस टाइम पे कि मेरे को इसको सेंड करना है इस पे। ओके चलिए वापस यहां पे पॉपुलेशन कम होती हुई। चलो अभी फिलहाल तो ये दो जो है पॉपुलेशन संभाल लेंगे। थोड़ा सा ना मुझे बैक साइड से रास्ता छोड़ना था, मैंने बैक साइड से रास्ता नहीं छोड़ा, तो उसकी वजह से देख सकते हो आप लोग अभी फिलहाल। ओके एक काम करते हैं, यहां से इस वाले एरिया को ना बंद कर देता हूँ कंप्लीट। अब इसका हो चुका है काम, अपग्रेड करो। तो एक हाउस यहाँ पे मेरा अपग्रेड हो चुका है लेवल 3 का जो मुझे करना है। दूसरा हाउस भी अपग्रेड हो चुका है। क्या इधर है क्या कोई अपग्रेड? इस पे कोई अभी अपग्रेड अवेलेबल नहीं है। कॉपर यूटेंसिल्स का होने वाला है कंप्लीट, बट हनी का अभी भी देखोगे तो हनी का नहीं हुआ है।
थोड़ा सा मुझे लग रहा है इंतजार करना पड़ेगा। एंड क्या ये फास्ट फॉरवर्ड का बटन है क्या? ओके तो यस, ये फास्ट फॉरवर्ड का ही बटन था। एंड आई गेस ये याक्शेक्स है ना। ओके ठीक है, याक्शेक्स को भी एक काम करता हूँ, एक और यहाँ पे इस मिल को लगा देता हूँ समवेयर राइट ओवर हेयर। एंड इसको करता हूँ मैं सेंड इसमें, एंड इधर से सेंड करता हूँ इसको मार्केट में। चलिए इसको सेंड करते ही काफी सारे हाउसेज जो है अपग्रेड हो जाएंगे। अब बट इससे चीज की डिमांड खत्म नहीं हुई, तो मतलब चीज की डिमांड जो है ना थोड़ी सी और बढ़ गई। तो एक काम करते हैं, मुझे नहीं मालूम मैं ये सही कर रहा हूँ, हो सकता है गलत भी हो ये। बट याक का एक शेक और यहाँ पे लगा देता हूँ मैं। एंड यहाँ से मिल्क, वेट मिल्क का कौन सा है? ओके मिल्क का ये वाला था, ठीक है मिल्क पे भेज देता हूँ। एंड दूसरा जो है यहाँ पे, ताकि थोड़ा सा यहाँ पे बढ़े इससे। एंड इधर फिलहाल अभी दो चीज़ की और डिमांड है, एंड इस डिमांड को फुलफिल करने के, देखो हनी की डिमांड मुझे समझ बिल्कुल नहीं आ रहा है कि हनी की डिमांड क्यों नहीं फुलफिल हो पा रही है। ओके वन थिंग मैं क्या सोच रहा हूँ उसको करूँ क्या, देखता हूँ मैं एक हनी का प्रोडक्शन। ओके तो हनी का प्रोडक्शन मैं यहाँ नीचे लगा ही नहीं सकता हूँ। सबको भी भेजो। एंड कुछ पे कुछ तो मार्क आ रहा है इन पे, नॉट रिसीविंग इनफ इनपुट रिसोर्सेस। तो इसका आइडिया नहीं कि भाई यहाँ पे मेरे उतना निकाल नहीं पा रहे, इनको अपग्रेड कर सकते हैं क्या? ओके अपग्रेड तो हम नहीं कर सकते। वेट एक, क्या मैं एक और लगा सकता हूँ क्या इनको कॉपर माइंस को? ओके तो मैं एक और नहीं ला, यहाँ पे भी है कुछ तो। वेट क्या ये कॉपर माइन था क्या? इधर एक और है बट इस पे यहाँ पे मैं प्लेस नहीं कर पा रहा हूँ। एंड गाइस सोचता है एपिसोड लंबा हो रहा होगा बट डेमो गेम है, तो यार डेमो गेम में देखते हैं कितना कुछ उन्होंने दिया है। थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ इस चीज को, एंड ये वाला जो है ना कंप्लीट करता हूँ हाउस को अपग्रेड करने का। A few moments later. सो ओके गाइस यहाँ पे देखोगे तो काफी सारे हाउसेस का अपग्रेड आ चुका है, एंड आई गेस अब मैं इसको कंप्लीट कर दूंगा। तो मेरे को 20 हाउसेस करने हैं, तो यहाँ पे 5 हाउसेस हो रहे हैं। एंड आई गेस ये सारे सारे हाउस को अपग्रेड करते करते ये भी कंप्लीट हो जाएगा। एंड यस कंप्लीट हो चुका है, एंड देयर वी गो, आई गेस सब अपग्रेड हो चुका है। यहाँ पे हनी बस थोड़ा सा कम पहुँच रहा है, रुको हनी 4.9 है ना, हमें 6 चाहिए। तो ये जो है यहाँ से सप्लाई हो रहा है, तो 4.9 रुको, यहाँ पे प्रोडक्शन अभी काफ़ी ज़्यादा है, तो इसको थोड़ा कैरियर यहाँ पे बढ़ाता हूँ मैं। अगर मैं 15 कैरियर रखूँगा तो ओके, तो यहाँ पे इसका भी हो चुका है कम्प्लीट। एंड एक बार अगर आप मैं ओवरव्यू दिखाऊँ यहाँ पे ना आप लोगों का इसका पूरे का, एंड ये रहा हमारा पूरा पूरा जो प्लांट है। देखोगे तो हनी मैंने काफ़ी सारे लगा रखे हैं बट उसकी ज़रूरत नहीं थी, थोड़ा सा उस टाइम पे मैं थोड़ा गलत कर रहा था उस चीज़ की वजह से। एंड चलते आगे कंटिन्यू करते हैं, एंड लास्ट एवलांच इंट्रूडर। ओके तो यहाँ पे कुछ ये लास्ट चीज दिखा रहा है, एवलांच इंट्रूडर। ओके ठीक है बिल्ड हमें यहाँ पे करना है, सो लेट्स बिल्ड ओवर है। तो एक रोड की जरूरत पड़ेगी अब यहाँ पे। ओके तो आई गेस नीचे कहाँ लगेगा? ओके नीचे लोकेशन मिल गई। एंड यहाँ पे अब बर्फ पड़ना स्टार्ट हो चुकी है। ओके यार को यहाँ पे रोड एक लगाने है मेरे को इसके पास में। एंड ऐसे ही एवेलांच इंट्रूडर करेगा क्या, कोई आइडिया नहीं। एंड यहाँ पे क्या मिसिंग 11 याक्स, क्या डायरेक्ट याक्स का मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ क्या? ओके तो डायरेक्ट मैं लगा सकता हूँ, तो ये हो चुका है कंप्लीट। एंड ट्रिगर एन एवेलांच, एवेलांच को ट्रिगर करना है। ओके सो देयर वी गो, एवेलांच हो चुका है ट्रिगर। वेट ये क्या हो रहा है? ये तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, हमारी सिटी की तरफ आ रहा है ये, क्या ये सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देगा क्या? एंड आई गेस यहाँ पे ये सब कुछ डिस्ट्रॉय करता हुआ, यस एंड इसने डिस्ट्रॉय करा इस एवलांच ने। एंड इसी के साथ यहाँ पे जो है डेमो जो है कंप्लीट हो चुका है। भाई गेम तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है यार। एंड एवलांच को, एवलांच से हमें अपनी सिटी को प्रोटेक्ट करना है। जैसे कि आप लोग ये मिडल वाला सेक्शन अगर आप देख पा रहे हो, सो इस मिडल वाले सेक्शन में कुछ यहाँ पे बैरियर्स हैं, जिन बैरियर्स से हम एवलांच को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। बट हाँ वो कंप्लीट गेम जब आएगी तभी हम उसको कर सकते हैं। एंड ये उस एवलांच के ऊपर ऐसा हम एक समिट जो है अपना बना सकते हैं, कासल बना सकते हैं।
सो चलो गाइस, डेमो यहीं पे खत्म होता है। जैसे इस गेम का फुल वर्जन आएगा तो इसके सारे एपिसोड हमारे चैनल पे कवर करे जाएंगे, तो अगर आप मिस नहीं करना चाहते जब भी ये गेम आए तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन ऑल पे कर देना। तो मिलते हैं आप लोगों से एक अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ गुड डे गाइस।